गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिन की शुरुआत सुबह 8:30 से हो रही है। अब चलो आज मैं जल्दी उठ गया हूँ तो आज ट्रेन लेट है। चौराहे पे आ गए, आ गए भैया रेलवे की बाउंड्री के पास में। आज तो झंडा ही हो गई ट्रेन, मूड खुजा के रह गए रे आज तो। स्टेशन पर आज एक पहले ट्रेन निकल गई, 1 मिनट से चूक गए। कभी कभी ऐसा भी हो, तुम दौड़ दौड़ के आओ, लो ट्रेन निकल गई, अब पकड़ लो भुट्टा। इतने जल्दी जल्दी आओ मैं आज घर से, पर ट्रेन निकल गई, सिर्फ 1 कदम रहेगा, दौड़ दौड़ के भी नहीं पकड़ पाओ। कोई किसी बात में मगन है, कोई किसी बात में। अपन इस बात में मगन है कि अपनी जो रेलवे स्टेशन है ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। 15 मिनट से ज़्यादा हो गए स्टेशन पर आए, अब वो ट्रेन तो नहीं आई, पर जो हम वहाँ से बिलासपुर से चलती है अमृतसर की तरफ जाती है, वो ट्रेन अलवत पीछे आ रही है, वो जो जिसका नाम है अमृतसर एक्सप्रेस 18237। ट्रेन तो आ गई भैया प्रतापगढ़, थोड़ा हॉर्न हो जाए तब चलेंगे, फिर बैठेंगे। हॉर्न होने के बाद ये अपना जनरल डिब्बा सामने, चलो भैया सिग्नल हो चुके, अब अंदर चलें अपनी शताब्दी में। वैसा तो खाली है, भीड़ नहीं है आज, पूरे 8:51 और प्रतापगढ़ यहाँ से चल चुकी विदिशा से, और जोन से सजावे की सोच रहे थे वहाँ तो पिट गई यार। बस पकड़ने आए और वो एक बस तो आगे निकल गई, पर अब इस बस से जाएंगे अपने ऑफिस तक। 5 मिनट है अभी चलने में, मैंने कहा जब तक एक शूट कर लें वीडियो। बस में बैठ के देखें अब 10 मिनट में पहुंच पाए कि नहीं। के 40 मिनट ऑफिस से चूक चुके हैं, अब बस पकड़ेंगे घर के लिए। आज का दिन पूरा खाली निकल रहा, कुछ भी काम तो काम नहीं कर पा रहा। अब घर जाने की तैयारी, 6:40 होने वाले हैं, बस आने वाली है। आ गई बस भी PR1, ये तो दूसरी है न्यू मार्केट वाली। हरिओम भाई आ गए, अब हमें लेके चलेंगे नाजराबाद गेट तक। चलो हरिओम भाई, हकीकत में जितना आसान लगेगा देखने में बिल्कुल आसान नहीं है कोई भी काम, चाहे वीडियो बाजी हो चाहे मेहनत को काम।
वाले बन गई। वहाँ से यहाँ तक नादरा बस स्टैंड तक हरिओम भाई ने छोड़ दिया, अब यहाँ से बस पकड़ेंगे उस साइड जाकर। बस स्टैंड से अंदर बस पकड़ने जा रहा था, फिर मैंने सोचा यार एक बैग शूट किया जाए 10 रुपये का वन। ये हमारे भाई साहब पूरे पूरे 40 मिनट बाकी है ट्रेन पकड़ने में, जब तक थोड़ा सा पेट में कुछ डाल लिया जाए। तो ये थी भाई की दुकान बैग शूट की, कृष्णा स्वीट्स नादरा बस स्टैंड पर। छोटी मोटी नहीं है नादरा बस स्टैंड, बहुत बड़ी है। लेट तो हो ही गया, तो मैंने कहा यार एक बार घूमने भी खा ले जाए। घूमती खा के फिर चलेंगे स्टेशन की तरफ, तेज गति में पूरे पावर। आज बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बोलते हैं वहाँ जाओ, कुछ लोग बोलते हैं ढिकानी जगह जाओ घूमने, ऐसा वैसा 17 जगहों के नाम बताएंगे। अरे कभी हमारे भोपाल में भी आओ, पूरी दुनिया में ऐसी जगह नहीं मिलेगी, सबसे खूबसूरत शहर भोपाल। इतनी भीड़ मिली यार स्टेशन पर कि दिमाग चकरा गया देख के, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार आज। कैमरा में समझ में नहीं आ रही होगी पर बहुत भयंकर भीड़ है आज। स्टेशन के ब्रिज पर आ गए हैं, रोशनी की वजह से पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेकार आ रही है। आ गए यार स्टेशन पर, बराबर को फ़ायदा भी मिलेगा। जीटी एक्सप्रेस बिल्कुल एकदम आ गई, अब आगे जाऊँ ट्रेन पकड़ने, वो भी जनरल डब्बा। जल्दी जल्दी निकल गया तो जनरल डिब्बा बहुत आगे मिलेगा, मैं बीच में हूँ एकदम। 7:03 और जीटी एक्सप्रेस आ चुकी है, अब मैं आगे जा रहा हूँ इसका जनरल डिब्बा पकड़ने के लिए। उतर जाए स्टेशन आ गई। तो पीछे गाना चल रहा, पेट दर्द बहुत याद आता है, पता नहीं कौन चला रहा। चलो भैया हम भी तो यात्रा जाएंगे ख़त्म, स्टेशन आ गए उतरने वाले हैं, पर जो हम लोग जनरल डब्बा है वो ईमानदारी की बात है। करेक्ट 8 बज गया भैया, स्टेशन उतर गए, अब चलो घर चले। पीछे खड़ी हमारी जीटी 12615। स्टेशन से बाहर निकल रहा है, हल्के मतलब जुल्फे कि आपकी जो काली काली जुल्फे हैं इतना आकर्षित करती है, ऐसा लगता है गली का फंदा बन गई। कॉलोनी में अंदर एंटर हुआ ही था कि पूरे कॉलोनी की लाइट चली गई, सिर्फ रोड पर ही लाइटें जल रही हैं।